अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पॉपकॉर्न चिकन। ये एक बहुत ही इजी स्नैक है, बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस। इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टी स्पून नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून डालेंगे। इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और तब तक इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग में हम लेंगे 3/4 कप मैदा, 1 कप ब्रेड क्रम्स, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड बेजल लीव्स डालेंगे 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ओरिगैनो लेंगे, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इस सब को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने से कोटिंग अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे। एक बाउल में 2 अंडे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। पहले चिकन को अंडे में डिप करेंगे। फिर उस पर अच्छे तरीके से कोटिंग लगाएंगे। सारे चिकन पीसेस पे इसी तरह कोटिंग करके अच्छे तरीके से इसको हम रख देंगे प्लेट के अंदर। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और 1 by 1 चिकन पीसेस को फ्राई करते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। मीडियम फ्लेम पे हमने सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लिए। ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार चिकन पॉपकॉर्न तैयार है।